हेलो माय डियर कैंसर, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर्सन के आपको लेकर क्या ट्रू फीलिंग है और उस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, मतलब वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एनल्स डायरी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनल्स डायरी का जनरल लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे जो है आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो पर्सन है जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्लेजर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल फील करते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए, सभी लोग देखिएगा, ठीक है, सभी लोग, मतलब कहने का मतलब है आपका ज़ोडियक साइन जो है कैंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, ये इंसान, ठीक है, इनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आपके आने के वजह से ही इनकी हार्ट अवेकनिंग हुई है। देखिए, ये पहले खुद भी रिलेशनशिप में रहे होंगे, हो सकता है मैरिड रहे हो, डिवोर्स हुआ हो, या हो सकता है आपका भी सिचुएशन हो, जो भी है, पहले भी कभी ना कभी किसी से प्यार हुआ हो, लेकिन वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक इन्फैचुएशन था, अट्रैक्शन था, या हो सकता है इन्होंने प्यार किया हो लेकिन इनको धोखा मिला। लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं ना, तो ये अपने आप को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है, अपने आप को, मतलब जैसे है वो आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। जेन्युइनली ये पर्सन अपने आपके सामने आ जाते हैं, जैसे भी है, मतलब कोई दिखावा नहीं करते हैं, पर्दा गिरा कर जो है सामने आ रहे हो, कुछ और दिखा रहे हो, ठीक है, पर्दे के पीछे कुछ और हो, वो चीज़ नहीं है। तो आपके जो पर्सन है, इनको सबसे पहली बात आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत कंफर्टेबल फील कराया। आप ही वो इंसान है जो कि इनको बहुत ही दिल से एक्सेप्ट किया हो, और ये सब होने के वजह से ना, इनकी हार्ट अवेकनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से इनकी हार्ट अवेकनिंग हुई। हार्ट अवेकनिंग कहने का ये मतलब है कि प्यार क्या होता है, रियल मायने में ट्रू लव क्या होता है, वो चीज़ आपके वजह से ही इनको फील हुआ। हो सकता है कि इनकी पहली वाइफ रही हो या हस्बैंड रहो, उससे भी इनको फील नहीं हुआ, लेकिन आपके वजह से फील होता है, ठीक है, या फिर हो सकता है पहले भी रिलेशन में रहे हो लेकिन आपके वजह से ही फील होता है। और आपके साथ होते हैं तो इनको डेफिनेटली पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, तभी आप इस रीडिंग पे भी है, ठीक है, आप इनसे प्यार करते हो और साथ साथ ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, ये चीज़ आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ऐसा है ना कि अगर आप ये, आपके पर्सन आपके लिए कुछ करते हैं तो आप दोगुना तिगुना इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ कर देते हो। तो जब से आप इनके लाइफ में आए हो, इनको पहले तो ये पता चला कि प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, डिवाइन लव क्या होता है, पहले तो ट्रू लव आएगा फिर डिवाइन, तो डिवाइन लव ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं और आपके साथ जब भी होते हैं ना, बात भी करते हैं तो बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, ट्रू सेल्फ की एनर्जी है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये तो अपने ट्रू सेल्फ में आ गए, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रहे हो, तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं ट्रू सेल्फ में हूँ, सच्चाई में हूँ तुम्हारे सामने, उस तरीके से भी तुम भी ट्रू सेल्फ में रहो, ठीक है। ऐसा इनको लग रहा है कि शायद इनके वजह से ही, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मेरे वजह से मेरे पार्टनर की लाइफ में डार्कनेस छा गया, मैं उस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, प्योर लाइट लेकर आना चाहते हैं, रोशनी लेकर आना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में कभी भी डार्कनेस लेकर नहीं आना चाहते थे, पर ये चीज़ इस पर्सन की वजह से हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं की वजह से आप अभी बहुत परेशान हैं, डार्कनेस में है, तो वो उस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। देन आपके जो पर्सन है आपको ये कहना चाहते हैं, फेज एंड साइकिल, मतलब आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में अभी ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स चल रहा है और आप कहीं ना कहीं ग्रजेस होल्डर हो सकते हो, ठीक है, ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, या फिर आप जो है ना निगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और ऐसा हो सकता है कि आप सच में ट्रस्ट नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो कि इनके कर्मा रिलीजिंग में, अच्छे कर्म में इनको हेल्प किए हो, ठीक है, गुड एनर्जी इनके अंदर डाले हो, ठीक है, पुरानी चीज़ों से, ड्रामा से, बहुत सारे परेशानियों से इनको आप निकाले हैं, तो एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं आप, ठीक है। तो आप ज़रूर अफर्मेशन कीजिए, जैसे कि आई डिज़र्व रियल एंड ऑथेंटिक लव, आई डिज़र्व
रियल एंड ऑथेंटिक लव, आई एम रेडी फॉर इंटीमेसी, डेटिंग इज़ अ जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, माई हार्ट इज़ फुल ऑफ लव एंड रेडी टू शेयर, आई इंजॉय विथ माई पार्टनर। ठीक है, और ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ और भी लव लेटर बता देती हूँ कि आपके पर्सन क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ, सेशन बुक कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से है बुकिंग कीजिए। ठीक है, देखिए पावर ने अपना मैसेज दिखा दिया, अपना जादू दिखा दिया है। तो पहला मैसेज है यहाँ पे, वो है यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपने इस पर्सन को बहुत हंसाया, ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सारी बातें कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और सिंपली ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है उसको सॉल्व कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग बहुत डिटेल में होती है, तो बुकिंग कर सकते हो और कहीं से भी हो बुकिंग कर सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। सुबह बाय, टेक केयर।